जिला मुरहू प्रखंड इंद्रपुरी पंचायत के कई गए गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र चलती है, जिसमें बच्चों की संख्या 32 है। 2 साल से पानी की समस्या है। चपाकल न होने के कारण बच्चों को कुआं तथा डाड़ी का पानी पिलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ पेयजल एक योजना है, जिसमें प्रति व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिलने का प्रावधान है, मगर यह लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इस गांव में कितना चपाकल है? 5 है। और कितना सही है, कितना खराब है? सब खराब है। कितना साल से? 1 साल हो गई, और 2 और 4 मैंने 2 साल जैसा हो गए। चपाकल मरामत के लिए आप लोग कुछ काम किए थे कि नहीं? किए थे। ओ, और उसमें क्या क्या काम हुआ है? उसमें तो मरामत नहीं हुआ। क्या कर दिए हैं? वो लोग मरामत के लिए आए थे, और एकदम वो लोग चपाकल को भी ऊपर से देखे और खोले भी नहीं उसको, और नहीं बनेगा बोल के वो लोग लौट गए। हम चाहते हैं एक नया चपाकल खुदवा दिया जाए, और जो खराब चपाकल है उसको सुविधाएं होगी कि और दूर से पानी लाना नहीं पड़ेगा। स्वच्छ पेयजल पाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में चपाकल का होना जरूरी है। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि PhD स्वच्छ पेयजल पदाधिकारी खुटी, जिसका नाम चंद्रशेखर, मोबाइल नंबर 94 30 51 21 91 पर कॉल कर सूचना दें, ताकि जल्दी से जल्दी नया चपाकल का निर्माण किया जाए और बच्चों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। मैं वसंती, खूंटी जिला झारखंड से, रेडियो अनहद के लिए।